हितकारी विद्यालय सहकारी समिति के अध्यक्ष श्रीमती सूरज बिरला जी, श्री नागरिक सहकारी बैंक के चेयरमैन श्री राजेश कृष्ण जी बिरला जी, एडिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव बैंक के एमडी, सभी पदाधिकारीगण, सभी मान्य सदस्यगण, हितकारी विद्यालय सहकारी शिक्षा समिति एक नन्ना सा पौधा शिक्षा के क्षेत्र के अंदर स्वर्गीय शंभू दयाल सक्सेना जी ने लगाया था और इस समिति के माध्यम से उनका उद्देश्य था कि शिक्षा के माध्यम से और विशेष रूप से शिक्षा में वो श्रमजीवी जो काम करते थे, जो दिन भर अपने ऑफिस में प्राइवेट निजी सरकारी में काम करते थे, उनको शाम को शिक्षा प्राप्त हो और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय काम किया। उसके बाद सदस्यों ने आपस में मिलकर अपनी जमा पूंजी इस सहकारी समिति में जमा कर और इसके माध्यम से जब कभी उनको ऋण लेने की आवश्यकता हो, इस सहकारी समिति से ऋण भी मिले। आज ये सहकारी समिति ने एक वटवर्ष के रूप में शिक्षा के क्षेत्र के अंदर अपने सदस्यों की तत्कालीन आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए ऋण उपलब्ध कराकर अपना व्यापार हो, उद्योग हो, मकान हो, शादी हो, जब कभी भी आवश्यकता हो तो इस सहकारी समिति से तत्काल रूप से ऋण प्राप्त किया जाए। मूल रूप से आप देखेंगे तो इस देश में नहीं, दुनिया के अंदर सहकारिता आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जिन्होंने लोगों के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का एक युग शुरू किया और कई देशों के अंदर सहकारिता आंदोलन इतना बड़ा है कि उस देश के आर्थिक पूरे तंत्र को सहकारी के माध्यम से चलाया जाता है और सहकारिता के माध्यम से अलग अलग सेक्टरों के अंदर, चाहे कर्मचारी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे श्रमजीवी हो, चाहे मछली पालन हो, चाहे दूध पालन हो, एक व्यापक क्षेत्र सहकारिता का है। भारत में भी सहकारिता आंदोलन बहुत पुराना आंदोलन है और इस सहकारिता आंदोलन के प्रादुर्भाव के बाद इसकी जड़ें ज्यादा फैलने के बाद किसी समय में एक व्यक्ति को अगर पैसे लेने की आवश्यकता होती थी तो वह गांव में सेठ के पास जाते थे और वह कर्ज में ही अपनी जिंदगी गुजर जाते थे। जो कुछ भी रहन रखा, जमीन जेवर वगैरह जो भी उसने रखे, वह कर्ज का ब्याज इतना होता था कि वह जिंदगी भर उस कर्ज से बाहर ही नहीं निकल पाता था। आज भारत में सहकारिता आंदोलन को आप देखोगे तो ग्राम सेवा सहकारी समिति गांव के अंदर 0% पर 1 से 1.5 लाख रुपए तक किसान को बिना ब्याज के पैसे देती है।
इसी तरीके से किसान क्योंकि हमारे यहां बड़ी संख्या के अंदर है और सबसे ज्यादा अगर चुंगल में कोई ब्याज के चुंगल में फंसाता तो किसान फंसाता, इसलिए उसको निकालने के लिए सहकारी बैंकों के साथ साथ कॉमर्शियल बैंकों के अंदर भी उनको 3 लाख रुपए तक समय पर जमा करने पर 4% से ब्याज पे पैसा मिलता है, फिर फसल के आधार पर मिलता है और इसी तरीके से धीरे धीरे कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर बैंक, मिनी बैंक, क्रेडिट सोसाइटी, सहकारी समितियां उनका निर्माण हुआ। कुछ अपवाद रहे कि कहीं क्रेडिट सोसाइटी के अंदर व्यक्ति का जमा पैसा सारा का सारा डूब गया, ये भी हमारे लोकतंत्र की 75 साल की यात्रा में बहुत सारी क्रेडिट सोसाइटियां रही जो जिनका लोगों में पैसा डूब गया है, वह हमारे लिए चिंता की बात है। लेकिन उस एक दो घटनाओं के कारण आप सहकारिता आंदोलन को पूरे को ही कटघरे में घेराव में करो, ये उचित नहीं है। लोगों के जीवन को परिवर्तन करने का काम किया तो सहकारिता आंदोलन ने किया, चाहे आप दूध उत्पादक ले लो, श्वेत क्रांति, नील क्रांति, हरित क्रांति, हर क्रांति के अंदर अगर परिवर्तन का कहीं सबसे बड़ा योगदान रहा तो सहकारिता का आंदोलन रहा। आप देख रहे हो कि किस तरीके से अमूल ने एक छोटा सा कोऑपरेटिव शुरू कर आज केवल गुजरात नहीं देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर अमूल के कितने उत्पादन और बेहतर क्वालिटी के लोगों को मिलते हैं और छोटे लोगों को दूध जमा कर उनको उचित पैसा भी मिलता है। इसी तरीके से आप नील क्रांति में चले जाओ, जितने भी समुद्र तट के इलाके हैं वहां पर मछुआरों ने अपने कोऑपरेटिव बनाकर और किस तरीके से मछली उत्पादन को कोऑपरेटिव के माध्यम से एक नई क्रांति का देने का काम, और इसी तरीके से एग्रीकल्चर किसान के अंदर कृषि क्रांति, कृषि क्रांति का बहुत बड़ा योगदान भारत के अंदर अगर सबसे बड़ा योगदान है तो मैं कहता हूं कोऑपरेटिव सेक्टर का ही है। नहीं तो किसान ब्याज पर पैसा लेता था और फसल आने के बाद पूरा फसल का पैसा वापस सेठ साहूकर के पास जमा करने के बाद फिर कर्ज में डूब जाता, और इसीलिए आजादी के पहले, आजादी के बाद एक लंबे समय तक कर्ज में हमारा समाज डूबता रहा। लेकिन आज सामाजिक परिवर्तन हुआ है, ये हितकारी भी इसका एक उदाहरण है, कोटा कर्मचारी सहकारी समिति सभा नंबर 1 इसका उदाहरण है, जिनका एक पैसा भी नहीं डूबा और समय पर लोगों को ऋण मिलना, अपनी जमा पूंजी का अच्छा ब्याज मिलना और सबसे बात जो जमा पूंजी वो सुरक्षित रहना, ये तीनों चीजें इस कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर कई कोऑपरेटिव के उदाहरण हैं। और इसीलिए कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर लोगों के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का सबसे बड़ा अगर क्रांतिकारी बदलाव लाया तो सहकारिता आंदोलन ने किया। कई दुनिया के अंदर, देश के अंदर देखोगे कई महिलाओं के आत्मनिर्भर बनाने में सहकारिता आंदोलन का बहुत बड़ा योगदान है। सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर किस तरीके से महिलाओं ने अपने रोजगार शुरू किए, अलग अलग सेक्टर के अंदर, मजदूर के अंदर, बुनकर के अंदर, तमाम सेक्टर के अंदर, जितने भी सेक्टर हैं उन सेक्टर के अंदर कोऑपरेटिव का बहुत बड़ा योगदान है। बस केवल कोऑपरेटिव को जो लोग सामूहिकता के साथ मिल रहे चला रहे हैं वो ईमानदारी से चलाएं, कर्तव्य निष्ठा से चलाएं, समर्पण से चलाएं, सेवा से चलाएं, तो सहकारिता आंदोलन से बड़ा आंदोलन दुनिया के अंदर नहीं हो सकता। मैं इस मौके पर हितकारी विद्यालय सहकारी शिक्षा समिति को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, जिन्होंने अपनी जमा पूंजी को भी बढ़ाया है। आज यह हालत है कि जमा पूंजी ज्यादा है,
ऋण लेने वाले कम हैं। ये कई बार उदाहरण है, इसका भी एक उदाहरण है कि लोगों को इतना विश्वास है कि वो अपनी सारी जमा पूंजी यहां जमा कर देते हैं और जब आवश्यकता हो तो ऋण ले लें, ये भी यहां पर सुविधा है। तो यही एक क्रेडिट होती है किसी सहकारी समिति की। मुझे आशा है कि हितकारी विद्यालय सहकारी समिति और नए बदलते परिप्रेक्ष्य में अपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आईटी का उपयोग कर किस तरीके से घर बैठकर उसको एक घंटे में दो घंटे में ऋण उपलब्ध करा दे, इस दिशा की ओर और काम करना चाहिए ताकि उसको जब जरूरत हो, जब उसे लगे कि मुझे कभी भी कोई इमरजेंसी के अंदर, बीमारी के अंदर, शादी के अंदर, कोई मकान बनाने में, कोई काम करने में जब भी मुझे आवश्यकता होगी, मेरे को एक घंटे के अंदर ऋण मिल जाएगा, तो हम एक बड़ा परिवर्तन इस कोऑपरेटिव के माध्यम से कर सकते हैं। और इसके लिए मैं सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।